आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये नोटिफिकेशन है बीएसएफ में, ये फ्रेंड्स आपके यहां पर जारी की गई है बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम रिक्रूटमेंट 2023 के लिए, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर फ्रेंड्स आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है वो अभी आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो अपडेट है वो फ्रेंड्स डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है। और डीएवीपी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नोटिस है वो फ्रेंड्स आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो एंड रेडियो मैकेनिक इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप फॉर द ईयर 2023। यहां पर आपसे कहा गया है आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो ओपनिंग डेट है अप्लाई करने का वो 22 अप्रैल 2023 रहेगा, और क्लोजिंग डेट जो है वो 12 मई 2023 आपकी रहेगी। तो यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले ही आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है, तो 22 अप्रैल से 12 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो है वो है फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल और इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन से। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो वैकेंसीज है वो फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ओपन यहां पर रहती है, पोस्ट टेम्परेरी है पर इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद कितनी वैकेंसीज है, तो इस बार जो वैकेंसीज है वो बहुत कम जारी की गई है आपके हेड कांस्टेबल आरओ आरएम में। इसमें फ्रेंड्स आपके जो हेड कांस्टेबल आरओ है इसमें 217 वैकेंसी और हेड कांस्टेबल आरएम के लिए 30 वैकेंसीज आपकी रहेंगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज फ्रेंड्स इसकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ही आपको ये दिया जाएगा। पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 4 का आपको मिलता है 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी आपकी रहती है 7 CPC के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अदर अलाउंस भी आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, तो 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। 12 मई 2023 को ये काउंट किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स देखिए एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को फ्रेंड्स रिलैक्सेशन एज लिमिट में मिल जाता है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके हेड कांस्टेबल आरओ या आरएम के लिए बात करें तो 12वीं क्लास पास आउट होना 60% मार्क्स के साथ, जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, या फ्रेंड्स आपके पास 10th के साथ 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स डिटेल इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल आरओ के लिए रिक्वायर्ड है, इसमें देखिए मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट पास आउट होना, 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास रेडियो एंड टेलीविजन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर ऑपरेटर में, या फ्रेंड्स आपके प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में होना जरूरी है। या आपके पास फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ 60% मार्क्स अगर आपके यहां पर है पीसीएम सब्जेक्ट में तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। बात करें हेड कांस्टेबल आरएम पोस्ट के लिए तो मैट्रिकुलेशन साथ में 2 साल का आईटीआई, और ये आईटीआई किसमें होना चाहिए तो देखिए रेडियो एंड टेलीविजन में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मींस कोपा में, इसके अलावा डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रीशियन या फीटर में, इन्फो टेक्नोलॉजी में एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में, या फ्रेंड्स आपकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में या कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन में, और आपके मैक्रोट्रॉनिक्स या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास यहां पर होना चाहिए आईटीआई, या सेम आपका 12th पास आउट है पीसीएम में 60% मार्क्स के साथ तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका आपका एलबीटी क्राइटेरिया रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बताया गया है कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद 22 अप्रैल 2023 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपसे यहां पर कहा गया है कि बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है और रिक्वायर्ड फीस आपको पे करनी है, और उसके बाद ही आपका फॉर्म यहां पर कंप्लीट माना जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आपका जारी हो गया है, ये शॉर्ट नोटिस है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके जो आपका प्रीवियस नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स डिटेल्स के बारे में। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है वो फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहती है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहती है। चेस्ट क्राइटेरिया की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल रहेगा 80-85 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो होना जरूरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो मेथड है सिलेक्शन का उसमें फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट फेज जो होगा वो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि ओएमआर बेस्ड रिटर्न एग्जाम होगा। ये फ्रेंड्स प्रीवियस के बाद में आपको बता रहा हूं, प्रीवियस में जो आपसे पूछा गया था, अब जो अगर लेटेस्ट कोई भी अपडेट आएगा उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। इसमें देखिए एमसीक्यू टाइप रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहां पर होगा 2 घंटे की ड्यूरेशन का। इसमें फ्रेंड्स आपका यहां पर देखिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन है ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, इसका मतलब है एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका रहेगा। इसमें देखिए 4 सेक्शन होंगे, पहला सेक्शन होगा फिजिक्स का जिसके 40 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश एंड जीके के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। यहां पर फ्रेंड्स 10+2 या इंटरमीडिएट का जो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का जो एजुकेशन का जो फ्रेंड्स आपका बोर्ड का आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जीके में फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो डाटा आपके जो यहां पर जो ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये फ्रेंड्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। सेकंड फेज फ्रेंड्स यहां पर क्या कहा गया है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे सक्सेसफुल क्वालिफाइड करेंगे ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट को, वो पीटीएन पीएससी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आएंगे। अब यहां पर देखिए आपको फ्रेंड्स मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर रहेगी, मेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर है और
85 टू फुलाने के बाद। फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 11 फीट का है, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फीट का है, 3 चांस आपको मिलेंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी जो रनिंग है वो 800 मीटर की होगी, 4 मिनट का आपको समय मिलेगा। 9 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है, इनके लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स सब आपके चेक किए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए डिटेक्शन टेस्ट होगा। डिटेक्शन टेस्ट क्या होता है, इंग्लिश राइटिंग मिनिमम 100 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का पैराग्राफ रीडिंग होगी जो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन को और आपकी रीडिंग को वो फ्रेंड्स आपका चेक किया जाएगा। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो जब आपका सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, तो आपको थर्ड जो फेज है वो है मेडिकल एग्जाम का, इसके लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट आपका होगा। और उस मेडिकल टेस्ट के बाद फ्रेंड्स एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये जो जानकारी है वो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की है। अभी यहाँ पर इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है जिसकी डिटेल्स आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाती है। फॉर्म 22 अप्रैल को स्टार्ट होंगे, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।